आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए, तब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। और सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते, हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया।